पार्शियल फ्रैक्शन में एक्चुअली हमारे पास जो इंटीग्रल है दो पॉलिनोमियल ऑफ x है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। पॉलिनोमियल मतलब जैसे हमने ऐसे लिखे 2x² + 6x + 5 9x³ + 7x + 8x + 8 ऐसा जो रहता है दैट इज व्हाट नोन एज पॉलिनोमियल ऑफ x। लेकिन यहाँ पे दो टाइप्स है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अगर इसकी डिग्री इससे कम, जैसे ऊपर स्क्वायर है और नीचे क्यूब है तो डिग्री कम हो गई, तो डिग्री अगर कम है तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर रैशनल, और अगर डिग्री इक्वल या ज्यादा है तो इम्प्रॉपर। तो अगर डिग्री एफ एक्स का ज्यादा है या इक्वल है जी एक्स से, तो हमें थोड़ा सा हम लोग फिर डिवाइड ऑपरेशन कर लेते हैं। मतलब हम ऐसे केस में इधर एफ एक्स लिखते हैं, इधर जी एक्स लिखते हैं और लिटरली उसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद इधर क्वेश्चन आएगा, इधर रिमाइंडर आएगा कुछ, तो हम फिर एफ एक्स को ऐसा लिख सकते क्वेश्चन इंटू जी ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर। फिर हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है वो ऐसे दिखेगा, ऊपर एफ एक्स की जगह ये लिख दिया अपॉन जी एक्स, फिर जी एक्स से डिवाइड कर लेंगे तो ऐसा आ जाएगा कुछ, जी एक्स कट हो जाएगा और आर अपॉन जी एक्स जो आएगा दैट शुड बी अ प्रॉपर। मतलब आर एक मान लो ये आर ऑफ एक्स आ जाएगा कुछ, रिमाइंडर मतलब आर ऑफ एक्स आएगा एक रिमाइंडर, और लेकिन आर ऑफ एक्स की डिग्री जी ऑफ एक्स की डिग्री से कम होगी फिर, तो हम लोग इसको अलग हैंडल करेंगे, इसको अलग हैंडल करेंगे, दो इंटीग्रल में उसको करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाते मतलब व्हाट, ऐसा आपका ओरिजिनल है, ये आपका एफ एक्स है, ये आपका जी एक्स है। हाँ, ये जो फैक्टर्स आपने है ये नॉन रिपीटेड है। नॉन रिपीटेड मतलब मान लो इधर x माइनस टू है तो इधर x माइनस थ्री होगा। हाँ, x माइनस टू नंबर ऑफ टाइम्स नहीं होना चाहिए, उसके लिए कुछ अलग स्ट्रेटेजी। तो पहले जो टाइप देख रहे हैं हम लोग वो क्या देख रहे हैं, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ये जो फैक्टर्स आएंगे डिनोमीटर के वो रिपीट नहीं होंगे, स्क्वायर नहीं आना चाहिए किसी टर्म का। ओके, तो फिर इस चीज को हम ऐसा लाएंगे, ऑफ कोर्स देखो यहाँ पे इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 2 है ना, तो डिग्री कम है बराबर, ए अपॉन और बी अपॉन, इसको इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। कैसे, ए आउटसाइड, इसका इंटीग्रेशन लॉग आ जाएगा, इसका भी लॉग आ जाएगा, तो मतलब ये वाली टर्म ऐसे लानी है, दैट इज व्हाट नोन एज पार्शियल फ्रैक्शन। तो ऐसे ए और बी ढूंढना है, ऐसा भी हो सकता, फिर उसमें भी ऐसा आ जाएगा। हम लोग तीन चीजें ढूंढ लेंगे, तीन कॉन्स्टेंट्स, कौन, ए बी और सी। विल टेक अ प्रॉब्लम दैट विल मेक द थिंग्स। ये पहला टाइप है, आगे और दो टाइप्स। हमारा पहला सम है सो x² + 2 x - 1 x + 2 x - 3 को कैसे लिखना है, ए अपॉन a upon x minus 1, b upon x plus 2, c upon x minus 5, ऐसे लाए। So x² + 2 x - 1 x + 2 x - 3 = LCM अगर निकाल लिया plus b into x minus 1 x minus 3 plus c into x minus 1 x plus 2 upon, समझ में आ रहा है, हमें a plus b, a b c की वैल्यू चाहिए, दोनों साइड ये कैंसिल हो गए। हाँ, हमने ये चेक किया इसकी डिग्री 2 है, इधर 3 आएगी, सो x² + 2 = a into x plus 2 x minus 3 plus b into x minus 1 x minus 3 plus c into minus 1 x plus 2। अब हमें ये देखना है a चाहिए, क्या पुट करेंगे तो ये यहां जीरो आ जाएगा। हमने अगर पुट x = 1 किया तो ये दोनों टर्म जीरो हो जाएगी, फिर 1 + 2 इधर आ जाए (a)(1 + 2, 1 - 3) इससे a मिल जाएगा। फिर b के लिए क्या करना है,
क्या पुट कर दो तो ये दोनों टर्म जीरो हो जाएगा। मान लो x इज इक्वल टू माइनस टू पुट किया, x इज इक्वल टू माइनस टू पुट किया तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये टर्म जीरो। फिर इधर आएगा माइनस टू का स्क्वायर फोर प्लस टू डी इंटू ऐसा करें, फिर b मिल जाए। फिर लास्ट c के लिए क्या पुट करूं, ये x की वैल्यू थ्री पुट कर दो, c मिल जाएगा। एक बार a b c मिल गए तो इंटीग्रल बहुत आसान हो जाएगा। अब आप a b c ढूंढ लो फिर हम इंटीग्रेट करें। समझ में आ रहा है? a r आया आपका थ्री, इधर थ्री 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 कट हो जाएगा, माइनस हाफ आ रहा है ना, और बी आ रहा है आपका आ गया टू और माइनस थ्री माइनस फाइव टेन, सिक्स बाय टेन, सिक्स बाय टेन ना, फाइव हाँ फिफ्टीन सिक्स बाय फिफ्टीन, और सी इलेवन बाय टेन। ओके तो आपका देखो अभी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, फिर ये इंटीग्रेट करना है, मतलब यही करना है ना, माइनस हाफ अपॉन माइनस वन प्लस सिक्स बाय फिफ्टीन अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स प्लस इधर डी एक्स प्लस इलेवन बाय टेन अपॉन एक्स माइनस थ्री डी एक्स। ठीक है तो दिस विल बी व्हाट, माइनस हाफ लॉग ऑफ x माइनस वन प्लस सिक्स बाय फिफ्टीन लॉग ऑफ x प्लस टू प्लस इलेवन बाय टेन लॉग ऑफ x माइनस थ्री प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है इसमें अलग क्या है, इधर क्यूब है इधर स्क्वायर है, इसकी डिग्री इसके डिग्री से ज्यादा है तो हमें यहाँ पे डिवीजन वाली टर्म पहला स्टेप वो स्टार्टिंग में बता रहा है वो लेना है। हम लोग डिवाइड कर लेंगे लिटरली, x क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस इलेवन, और इधर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। ओके तो अभी इधर x लिया, ये क्या है देखने का, इस हिसाब से इधर लेंगे, ये टर्म आनी चाहिए, इधर आ गया x क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स, साइन चेंज, ये कट हो गया, ये बार आ गया x स्क्वायर और माइनस सिक्स एक्स है ना, तो इधर आ गया माइनस थ्री एक्स प्लस इलेवन। ठीक है अब इधर प्लस वन लेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। समझ में आ रहा, ये वन क्यों लिया हमने, ये देखा यहां इसको देखा, साइन चेंज हो गए, टू एक्स इलेवन माइनस सिक्स फाइव आ गया। अब क्या आ गया फाइनली, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस इलेवन इज इक्वल टू दिस एक्स प्लस वन इंटू वॉट, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स प्लस टू एक्स प्लस फाइव। देखो ये क्वोशेंट, ये हमारी डिनोमिनेटर टर्म, और ये आ गया तुम्हारा रिमाइंडर। तो जो बेसिक इंटीग्रल होता है आर, ये टर्म नहीं लिखेंगे उसकी जगह ये लिख देंगे। देखो डिविडेंड इज व्हाट, ये डिविडेंड है ना, डिविडेंड इज क्वोशेंट इनटू डिवीजन प्लस रिमाइंडर। तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स प्लस टू एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स डी एक्स, तो इट विल बी इक्वल टू, अब इससे ये डिवे कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन डी एक्स बचेगा प्लस ये वाला इंटीग्रल बचेगा कौन सा, टू एक्स प्लस फाइव अपॉन
x square minus 5x plus 6 dx. तो दो इंटीग्रल आ गए, ये हमारा i1 और ये i2. i1 तो बहुत आसान है, हाँ i1 सॉल्व कर लेंगे, i2 कैसे करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन. देखो अभी i2 इलिजिबल हो गया है ना, उस पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे इलिजिबल हो गया? इसका न्यूमरेटर, इसका पावर देखो 1 है, इसका 2 है, तो डिग्री कम हो गया न्यूमरेटर का. एनीवे तो पहले i1 क्या आएगा, i1 इज व्हाट, इंटीग्रेशन x plus 1 dx is x dx plus 1 dx is x square upon 2 plus x. ये हमारा i1 है, सॉरी ये वाला. फिर i2 is equal to जो 2x plus 5 upon x square minus 5x plus 6 can be written as, अभी इसके factors 2x plus 5 x minus 5 x minus 3 x minus 2, ठीक है ना, factors निकाल लिए. So this should be, ये जो आया है, अभी हम लोग partial fraction ढूंढेंगे, मतलब 2x plus 5 upon x minus 3 x minus 2 should be equal to a upon x minus 3 plus b upon x minus 2, ऐसे a और b ढूंढेंगे. So 2x plus 5 x minus 3 x minus 2 a into x minus 2 plus b into x minus 3 cross multiply किया x minus 3 x minus 2, तो ये कट हो गया है. तो क्या बचा है, 2x plus 5 is equal to a into x minus 2 plus b into x minus 3 आ गया. अभी हमें a चाहिए, क्या पुट करना पड़ेगा, पुट x is equal to 3 कर दो, तो ये कैंसिल हो जाएगी टर्म, a मिल जाएगा आपको, और पुट क्या करना, x is equal to 2 कर दो, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, b मिल जाएगा आपको. और एक बार a और b मिल गए तो फिर इसको इंटीग्रेट करना आसान है, सिंपली log a आ जाएगा बाहर, log of x minus 3, और b आ बाहर आ जाएगा log of x minus 2, और ये i2 और ये i1, टोटल इंटीग्रल i will be what, i1 plus. तो आपने a और b ढूंढे हैं, तो a is 11 and d is minus 9. तो अभी हम लोगों का इंटीग्रेशन जो है बेसिक वो क्या आएगा, तो जो i2 हम सॉल्व कर रहे थे, i2 will become a की वैल्यू है 11 upon x minus 3 dx plus b आ गया minus 9 upon x minus 2 dx. So this will be 11 log of x minus 3 minus 9 log of x minus 2, ये आ गया i2. अब final i क्या आएगा, i1 plus i2, what is i1, ये वाला answer. So x square by 2 plus x plus 11 log of x minus 3 minus 9 log of minus 2 plus c, ये आपका final answer, ठीक है. क्या है ये वाली चीज, रिपीट है, रिपीट दो बार आई है वो फैक्टर्स, तो जो दो बार आई है, पहली बार लिखने का और एक बार लिखने का, मतलब इसका पावर 1 और पावर 2. यहां भी देखो, ये चीज एक ही बार आई है तो एक ही बार आई, ये चीज दो बार आई है a upon पहली बार 1 rest to 1, फिर दूसरी बार rest to 2. हाँ आपको इधर ये square है और इधर finally cube आने वाला है ना, मतलब ये polynomials की जो degrees है वो इस अपने हिसाब से. यहाँ भी देखो, ये तीन बार आई है, तो rest to 1, 2, rest to 3 और ये. तो यहाँ पे थोड़ा ये calculation जो है ना, a b c के, वो थोड़े अलग होते हैं. कुछ चीजें हमें सब्स्टिट्यूशन से मिल जाती है और कुछ चीजें कंपैरिजन से, फिर कोई वैल्यूज पुट करके, मतलब कोएफिशिएंट निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है. ये जो निकालना है हमको ए बी सी डी, ये थोड़ा सा इजी नहीं है, ये हमें देखना है सम टू सम में इसका स्ट्रेटजी थोड़ा. इसके लिए और एक टेक्निक भी है डेरिवेटिव वाला, वो इस आपके कोर्स में यूज नहीं करने के लिए बोला है, नहीं तो और एक अच्छा टेक्निक है डेरिवेटिव निकाल के भी हम ये निकाल सकते हैं.
So 3x minus 2 upon x plus 1 square x plus 3 will be a upon x plus 1 ये एक बार plus b upon x plus 1 square दो बार अब हो गया इस तरह का और plus c upon x plus 3 so 3x minus 2 is it upon x plus 1 square x plus 3 is equal to a into अब यही LCM ये एलसीएम इधर लाना है आपको तो हम नीचे लिख लेते हैं डायरेक्टली x plus 1 स्क्वायर x plus 3 अब इधर क्या लिखना पड़ेगा x plus 1 एक बार और x plus 3 समझ में आ रही बात प्लस b के साथ में सिर्फ क्या लगेगा x plus 3 इसमें से क्या मिसिंग है प्लस c के साथ में x plus 1 का स्क्वायर लगेगा ठीक है ये इधर कट हो गया है तो 3x minus 2 is a into x plus 1 x plus 3 plus b into x plus 3 plus c into x plus 1 का स्क्वायर ठीक है अब कुछ चीजें तो इजीली मिल जाएगी अगर हम लोग x के वैल्यू minus 1 पुट करते हैं यह टर्म चल और ये टर्म जाएगी ये मिल जाएगा हमको b कैसे so 3 into minus 1 minus 2 is equal to ये 0 हो गया ये 0 हो गया so b into minus 1 plus 3 हो गया so minus 3 minus 2 b into 2 हो गया so b आ गया minus 5 by 2 अब क्या पुट करना है सो दैट आगे और कुछ मिल जाए तो मान लो x इज इक्वल टू माइनस 3 पुट किया तो ये दोनों गायब हो ये 0 हो जाएगा ये 0 c मिल जाएगा 3 into minus 3 minus 2 is equal to c into minus 3 plus 1 का square. Minus 9 plus minus 2. Minus 11. Minus 2 का square. 4. 4c. So c आ गया आपका minus 11 by 4. ठीक है? C आ गया. मतलब c दिया. अब problem है a का. अब कुछ ऐसा करना चाहिए कि a मिल जाए तो अगर हम लोग इसमें एक स्ट्रेटजी ऐसा भी लगा देते हैं क्या लगा इसको अगर हम लोग एक्सपांड कर दें तो 3x minus 2 इधर रहेगा अब ये x square a into x square plus something आएगा ठीक है इसका एक्सपांशन b into x plus 3 आएगा plus c into x square plus something आएगा समझ आ रही बात है square करने तो 3x minus 2 a plus c into x square आ जाएगा कि नहीं plus something बाकी का छोड़ दो x square के साथ में कौन आएगा a plus c अब इधर देखो x square term नहीं है मतलब what जरूर a plus c की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए पूरा एक्सपांड नहीं करना है जस्ट हम कंपेयर कर अब आपके पास c अवेलेबल है c पुट कर दो तो a minus 11 by 4 is 0 तो a is what 11 by 4 तो a आ गया आपके पास ये एक चीज थोड़ी निकालने के लिए कुछ आपको ऐसा करना पड़ेगा या तो फिर दोनों साइड में x की वैल्यू 0 पुट करके करना पड़ेगा मतलब x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो शायद कोई जो बचा है वो मिल जाएगा या फिर ऐसा कुछ अब आप आगे क्या कर सकते हैं अब देखो आगे इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा ये आप लिख लो पहले आगे इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन आगे करना है तो ये इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन dx
ओके तो ए क्या है 11 बाय 4 इनटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डीएक्स बी क्या है बी माइनस 5 बाय 2 माइनस 5 बाय 2 इनटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर डीएक्स प्लस सी माइनस 11 बाय 4 1 अपॉन एक्स प्लस 3 डीएक्स ठीक है सारे इंटीग्रल तो ये आ गया 11 बाय 4 log of x plus 1 और ये आ जाएगा माइनस 11 बाय 4 log of x माइनस 3 सॉरी x plus 3 plus c अब माइनस 5 बाय 2 ये क्या है x plus 1 raised to माइनस 2 dx है अभी x की जगह ax plus b तो हम फॉर्मूला वही लगाते हैं जो x का लगाते हैं और a की वैल्यू इधर 1 ही है मतलब You can easily integrate this as 11 by 4 log of x plus 1 minus 5 by 2. What is integration of x raised to n? X raised to n plus 1 upon n plus 1. Matlab, x plus 1 minus 1 upon minus 1. Minus 11 by 4 log of x plus 3 plus c. So, ye aa gaya aapka. देखो 11 by 4 common आ जाएगा तो 11 by 4 और ये log a minus log b log of a upon b कर सकते ये दोनों को adjust कर लेंगे ना एक ही so log of x plus 1 upon x plus 3 ठीक है ना because log a upon b is log a minus log b ये तो हो गया हाँ ये आ गया आपका प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 बाय 2 इनटू 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 1 ठीक है ना नीचे आ गया प्लस ये आपका फाइनल आंसर आगे सुनो आगे इसके आगे फैक्टर नहीं आते मतलब ये फैक्टराइज नहीं होता है अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर हमें क्या करना है इसको ऐसे लिखना a अपॉन x माइनस a तो है ही प्लस ऊपर थोड़ा अलग आएगा bx plus c के फॉर्म में bx plus c x square plus bx plus c इस फॉर्म में आ जाएगा ओके मतलब हमें तीन कांस्टेंट ढूंढने a b c विल टेक अ सम देखो इधर क्या करना इसके आगे फैक्टर्स नहीं गिर रहे तो हम कैसे लिखेंगे 5x square अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4 देखो ये इस फॉर्म में इज a अपॉन x प्लस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 ठीक है हमें a b c ढूंढने हैं सो 5x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4 a into x स्क्वायर प्लस 4 plus b x plus c into x plus 1 cross multiply upon x plus 1 x square plus 4 ठीक है हमेशा की तरह ही क्या तो आगे जाके ये टर्म कैंसिल हो गई 5 x square a x square plus 4 plus b x plus c x plus 1 ठीक है इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं तो 5x स्क्वायर a x स्क्वायर प्लस 4a प्लस अभी b x स्क्वायर प्लस b x प्लस c x प्लस c जस्ट क्या कर रहे हैं हम लोग एक्सपांड कर रहे हैं उसको सो 5x स्क्वायर अब देखो a प्लस b x स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी प्लस सी एक्स आ जाएगा प्लस फोर ए प्लस सी ठीक है ना आप समझ में मैंने एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट की टर्म में लाया उसको अब अगर हम कंपेयर करते इधर क्या है फाइव एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू दिस तो कंपैरिजन क्या देगा हमें
a plus b is equal to 5 देगा और b plus c is equal to 0 देगा और 4a plus c is equal to b 0 देगा. समझ में आ रहा आपको? तो हम लोग इससे क्या ढूंढेंगे, b is equal to minus c हो गया, तो ये वैल्यू यहां पुट किया, मतलब a minus c is 5 आ गया इक्वेशन, एक इक्वेशन आ गया हमारे पास ऐसा. और यहां 4a plus c is equal to 0 है ऑलरेडी, इन दोनों को ऐड करो तो c c gets cancel, 5 a is equal to 5 आ गया, तो a is equal to 1 आ गया. अब a की वैल्यू इधर पुट कर दो किसी में, तो 1 minus c is equal to 5 आ गया, तो c आ जाएगा minus 4, c आ गया. अब c के b क्या आएगा, b is minus c, तो b आ गया 4, तो तीसरा आ गया अभी आपके पास में, तो अब इंटीग्रेट कर सकते हैं. आगे आप पहले ये लिख लो सारी वैल्यूज, आगे ध्यान में कैसे करें इंटीग्रेशन है वो क्या आएगा, a की वैल्यू 1 अपॉन क्या था इधर डिनोमिनेटर, बेसिक इंटीग्रल क्या था ऊपर, क्या था x स्क्वायर अपॉन x 5 x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस, तो a आ गया हमारा 1, तो 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस b क्या था 4, 4x माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, ऐसे तो इट इज ये dx dx, सो 1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस 4 x अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 dx माइनस 4 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 dx, सो दिस इज log ऑफ x प्लस 1 प्लस 4 इनटू ये इसका डेरिवेटिव, देखो इसको हम ऐसा करेंगे 2 2x x स्क्वायर प्लस 4 चलेगा फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव, तो हमें पता है ना इसके लिए log आता है डायरेक्ट आंसर माइनस 4, ये तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx क्या है फॉर्मूला, 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a ना, ये तो ये 2 का स्क्वायर है, तो 1 बाय 2 tan इनवर्स ऑफ x बाय 2, x स्टैंडर्ड है वो x स्क्वायर प्लस a, ये आ गया तुम्हारा log of x plus 1 plus 2 log of f dash x upon fx minus 2 tan inverse of x by 2 plus c, ये तुम्हारा final answer, ठीक है.